This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not again do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner hello friend welcome to the channel pharmacy Visionary. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं हमारा आज का यूजफुल प्रोडक्ट है इकोस्पिरंस सेवेंटी जैसा इसके नाम से हमको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि इसका मेन कंटेंट क्या होगा इसका मेन कंटेंट है एस्पेरियन और इसका जो स्ट्रेंथ है यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटी है वह है सेवनटी फाइव तो चलिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस इको स्पिरंस सेवेंटी का यूज किस केस में होता है ये एक ऐसा ड्रग है जो कि एंटी प्लेटलेट कैटेगरी को बिलोंग करता है नाउ वाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी प्लेटलेट सबसे पहले हम इसके मतलब को समझते हैं एंटी प्लेटलेट का मतलब होता है एक ऐसा ड्रग जो कि प्लेटलेट के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा सो व्हाट इज प्लेटलेट नाउ प्लेटलेट एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे ब्लड का जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में काफी ज्यादा मदद करता है इसको समझते हैं दो रेस्पेक्ट में एक नॉर्मल एक्सटर्नल एक्स्पेक्ट और दूसरा होता है इंटरनल इफेक्ट सो ये हमारा ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स में हमारे जो ब्लड है जिसमें काफी सारे न्यूट्रिय मेडिसिन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजेस ऑक्सीजन एज वेल एज डी ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ये मूव करते रहते हैं और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करते हैं अगर मैं एक एक्सटर्नल एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे किसी कारण से चोट लगती है कोई सुई चुपता है कोई नाइफ से आप कट जाते हो तो उस पर्टिकुलर पार्ट part से जो ब्लीडिंग है वो अक्कर होने लगता है काफी सारा ब्लड बाहर निकलने लगता है अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ब्लड की कमी हो जाएगी और इससे सीवियर नुकसान भी हो सकता है बट हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ऐसा सिचुएशन ना आए और अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे ब्लीडिंग हो भी जाती है तो जिसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर दें तो इसको बंद करने के लिए यानी कि ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा या उसको बढ़ाना पड़ेगा और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग सो हमारे बॉडी में प्लेटलेट आपके इसी क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद ये जो ब्लड स्टार्ट हुआ था फ्लो होना वो धीरे-धीरे डिफरेंट प्रोसेस को जिसको हम लोग बोलते हैं को क्लोटिंग फैक्टर या क्लोटिंग स्टेप उनकी मदद से फाइब्रिन प्रोथ्रोम्बिन इनके सब की वजह से ये जो ब्लड है आपका लिक्विड फॉर्म से एक सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पे फाइब्रिन जो है इसको एक जाल जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं और और इसी कारण से मिनिमम से मिनिमम समय में हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो क्लॉटिंग है वो एक्सटर्नली आप लोग तो बहुत यूजफुल हुआ ताकि ब्लीडिंग रुक सके इसके दूसरे पहलू पे भी अगर हम ध्यान दें कई बार ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से हमारे जो ब्लड है जो इंटरनली ब्लड वेसल में फ्लो कर रहे हैं वो इंटरनल क्लॉट हो जाते हैं सो ये बाहर क्लॉट हो गया तो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया बट ड्यू टू सम नोन एंड अनोन रीजन ये जो ब्लड है वो इंटरनली क्लॉट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से अब अगर इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो पीछे के जो ब्लड आ रहे हैं उनको आगे फ्लो होने में दिक्कत होगी और आगे फ्लो नहीं होंगे तो हमारे ब्लड की कमी होने लगेगी हार्ट पे और इससे हमारे हार्ट पे एक, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा फिर वो आगे जा के हमारे लिए प्र, प्र, प्रॉब्लम कॉज करेगा और उसके अंदर फिर वो हार्ट अटैक स्ट्रोक या हार्ट अटैक चेस्ट पेन जिसे हम लोग एंजाइना फैक्टोरिस कहते हैं वो भी कॉज कर सकता है एंजाना पैक्टोरिस के ऊपर हमने मेन चैनल सोशल फार्मेसी में हार्ट अटैक के बारे में सब कुछ डिटेल से अपलोड किया हुआ है सो तो अगर आप ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं एक बार मैं साफ साफ आपको बता दूं कि जैसे ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट के बाहर कोर आर्टरी पाए जाते हैं इस कोरोनरी आर्टरी में अगर इस तरह का क्लॉट प्रिवेंट हो क्लॉट जनरेट हो गया तो फिर हमारे लिए ऑक्सीजन मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे पूरे जो आपके पेन है वो जनरेट होने लगेगा मोस्टली ये प्रोग्रेसिव तरीके से होता है बट आपके लेफ्ट साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं सो so, अब हम आ जाते हैं हमारे ड्रग पे ये जो हमारा एस्प्रिन है ये एस्प्रिन इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ करता है इसका जो फंक्शन है वो क्लॉट के फॉर्मेशन को कम करना है ब्लड वेसल के अंदर और इसी कारण से होने वाली जो प्रॉब्लम है आपका एंजाइना पेक्टोरिस इसको कम करना है चेस्ट पेन इसको कम करना है हार्ट अटैक जो हो सकते हैं इसको हमको कम करना है जो स्ट्रोक जनरेट हो सकता है इसको कम करना है सो तो यहाँ पे अब हमने दिया आपका इको स्प्रिन लेकिन इको स्प्रिन में खास बात क्या है यहाँ पे देखेंगे आप गैस्ट्रो रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बाद में बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो ड्रग है एस्प्रिन यहाँ पे पहुँचते हैं और इन प्लेटलेट को क्योंकि एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का ड्रग है ना तो इन प्लेटलेट्स को जो कि क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके बनने के प्रोसेस को इनिबेट कर देते हैं क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जब डिस्प्रिन का वीडियो अपलोड किया था तो मैंने आपको स्प्रिन के मैकेनिज्म में, में ये भी बताया था कि ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स वन और कॉक्स टू इन दोनों को इनिबिट करता है और कॉक्स वन का काम ये भी है कि वो आपकी क्लॉटिंग में मदद करता है चूँकि ये क्लॉक्स वन को भी इनिबिट करता है इसलिए इसका जो क्लॉटिंग का फैक्टर है वो भी अफेक्ट हो जाएगा जि जितने भी आपके थ्रोम्बोक्सन कैटेगरी के ड्रग हैं वो इसी क्लॉटिंग के स्पेसिफिकली प्रोसेस को अल्टर करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्लॉटिंग नहीं होगी और ये आपकी लाइफ को बचा भी सकता है बेनिफिट भी कॉज कर सकते हैं तो ये था सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे इको का इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं ऐसा कोई ड्रग अवेलेबल है ही नहीं जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो लेकिन बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो जो बेनिफिट है और हार्मफुल है इसके रेशियो के अकॉर्डिंगली कहें तो ये आपकी लाइफ सेविंग ड्रग भी हो सकती है चलिए एक बार शॉर्ट में हम इसके जो साइड इफेक्ट है इसके बारे में भी, भी डिस्कस कर लेते हैं इसका साइड इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप इसको लेते हैं तो फिर आपके उस समय में जहाँ पे आपका कोई इलेक्टिव सर्जरी होने वाला होगा जहाँ पे आपकी कोई ऐसे सिचुएशन हो रही होगी जहाँ पे ब्लड के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये प्रिफर नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने देखा कि यह क्लॉटिंग को इनिबिट करता है क्लॉटिंग को रोकता है सो अगर किसी का इलेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है जैसे इस व्यक्ति की इलेक्टिव ऑपरेशन की हम तैयारी कर रहे हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन चांसेस हैं कि कोई कट ऐसा लग जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और चूंकि आपने इसे हफ्ते दस दिन पहले ले चुका है तो आपकी ब्लीडिंग को ये कंटिन्यू करेगा क्लॉटिंग को रोकेगा तो इससे कोई मिला करके आपका जो ब्लड लॉस है वो होगा ही होगा दूसरे जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट हैं एसोसिएटेड वह है आपका हार्ट बर्न ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी भी बढ़ सकती है जैसे मैंने कहा नोजिया भी देखने को मिल सकता है नोजिया मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ वोमिटिंग आप जब फील करते हैं कि आपको उल्टी होने वाली है लेकिन ये जो फीलिंग है तब तक नोजिया कहलाएगी जब तक कि एग्जैक्टली वोमिटिंग हो नहीं जाती तो जब तक आप फील कर रहे हैं उस फेज को हम लोग बोलते हैं नोजिया और जैसे ही वो फीलिंग एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है आपके उल्टी के रूप में तो फिर वो कहलाता है आपका वोमिटिंग तो ये इसके कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट हैं बाकी आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट डिटेल के साइड पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट गैस्ट्रो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस मीन सिंपली एक ऐसा ड्रग जो कि जी के इन्फ्लुएंस से अपने आप को प्रिवेंट करता है रजिस्ट करता है अपने आप को इसका क्या मतलब हुआ हमारे जीआईटी में एस का सिक्रेशन होता रहता है एस सी एल इज ऑल्सो नोन एज अ डाइजेस्टिव जूस जिसका काम है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना लेकिन ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो ये नहीं समझ पाता कि कौन सी चीज़ हमारे फूड है कौन सा हमारा मेडिसिन है उसके लिए सब एक जैसे हैं जो भी पेट में पहुंचेगा उसको वो सीधा सीधा डाइजेस्ट करने में मदद करने की कोशिश करेगा सो ये टैबलेट अगर हम लेते हैं ओरल रूट से टैबलेट है तो डेफिनेटली ओरल रूट से ही जाएगा तो ओरल रूट से लेने की वजह से जब ये टैबलेट हमारे पेट में पहुँचता है लाइक दिस कि ये हमारा स्टमक है और यहाँ पर हमारा टेबलेट पहुँच गया तो इस टैबलेट में आपके खाने पीने की चीजों के साथ साथ यह भी ड्रग प्रेजेंट है और यहाँ पे जो आपका सेल है वो आपके लिए एसिड सिक्रिट कर रहा है तो हो सकता है कि ये मेडिसिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रो रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा और यही उसके काम करने के तरीके हैं एक चीज़ और भी हमने देखा हुआ है क्योंकि ये कॉक्स वन और कॉक्स टू को नॉन सेलेक्टिव तरीके से निबिट करता है तो इसके गैस्ट्रिक इरीटेशन कॉज करने के भी खूब चांसेस हैं क्योंकि ये जो कॉक्स वन है इसका काम एक और होता है कि वह आपकी जी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बाई का बनाता है जो कि इसी एसिड से आपको बचाता है बट आपने तो नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स वन को कर दिया तो इसके कारण से ये जो आपका गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव पार्ट था का वो भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके कारण से फिर आपको अल्सर होने के या फिर इरिटेशन होने के चांसेस हैं ये साइड इफेक्ट तो हमको कॉमनली समझ में आ ही जाते हैं और इन सबके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है सोल्यूशन फार्मेसी पर वो आप विजिट कर सकते हैं इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका एस्प्रिन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसका जो स्ट्रेंथ है वह सेवेंटी फाइव इसके अलावा इसमें एक्जिपेंट यूज किए गए हैं क्वांटिटी सफिशियंट तरीके से डोज के बारे में बात करें तो साफ लिखा हुआ है आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं उसको जूम मैंने थोड़ा किया है तो ब्लर है क्लियर नहीं है डोज है फिजिशियन स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट एंड मॉइस्चर टैबलेट शुड बी सोलोड एज अ होल एंड नॉट टू बी चीव्ड ये जो टैबलेट है इसे पूरा एज अ पानी के साथ निकल जाना है इसको चबाना या चूसना नहीं है सो डू नॉट टेक द ड्रग वेन यू आर गोइंग फॉर द ऑपरेशन और इन केस ऑफ प्रेग्नेंसी क्योंकि ये फिर दिक्कत कॉज कर सकता है बिल्डिंग कॉज कर सकता है हर एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉट टू बी यूज इन चिल्ड्रन बिलो ट्वेल्व ईयर ऑइज जिसकी उम्र बारह साल से कम है उनको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए और ख़ास करके प्रेगनेंसी में तो इसको अवॉइड करें दैट विल बी अ बेटर और खास करके उस समय भी जब इलेक्टिव सर्जरी होने वाली हो सो फ्रेंड ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आज के इस प्रोडक्ट में हमने बात किया इको स्प्रिंस सेवेंटी फाइव गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट जिसका मेन कंटेंट था स्प्रिन थैंक यू एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ